अच्छा मैंने पूछा आपसे कि हॉस्पिटल में आने के लिए क्या एडमिट के बाहर जाना पड़ता है, लोग बोल रहे नहीं उसकी जरूरत नहीं है। अब जल्दी आओ ना, जल्दी आओ। यहाँ का सबसे इंटेलिजेंट ड्राइवर मिला मुझे, एयरपोर्ट से निकल कर कहाँ जाते हैं यही जानते ना। शादी में कैसा रहा एक्सपीरियंस? आप कहाँ से आ रहे हैं सब इन सबसे पहले? दुबई से आ रही हूँ। ये अवार्ड के बारे में बात करें, कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ का? बहुत ही अद्भुत रहा। दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड के तमाम आयोजकों को मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं अब धन्यवाद करती हूँ उन सबका, आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझको दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया। और आपके साथ में और कौन कौन मेहमान थे जो, या आप ही इंडिया को प्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पर? दुबई में भी अवार्ड मिला और भी कई सारे टीवी एक्टर्स थे और डिज़ाइनर्स थे और भी अलग अलग क्षेत्रों से काफ़ी प्रसिद्ध लोग थे वहाँ पर, तो ये अवार्ड नवाजा गया। ये अवार्ड के साथ में एक सबसे बड़ी बात है आपके मुझे सुनना चाहिए, क्या है बताइए आप जी? क्या दुबई जाना? हाँ। राखी और सरनील एक साथ जी, ये केमिस्ट्री कैसे फिट हो गई? जी राखी और मैं एक साथ गए। हाँ। और बहुत ही मज़ा आया। आपको तो पता है कि राखी कॉमेडी क्वीन है। हाँ। और कॉमेडी करके सबको हंसाती है, ये बात अलग है कि कभी कभी कड़वे शब्द कहकर उड़ाती भी है, लेकिन इस ट्रिप पर सिर्फ और सिर्फ हमने एक दूसरे के साथ प्यार बांटा और अच्छे वाइब्स शेयर किए। और क्या मेमोरी है वहाँ की? सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहा, शो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। धन्यवाद। एक मिनट में रीन बना, एक रीन बना रहा हूँ, आप क्या होगा? Congratulations, man. Thank you.